और ये जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि मौसीकी जो है रूह की गिज़ा है, तो वाकई ये है कि आम मौसीकी जो दुनिया में हो रही है, और बदनसीब जो इस वक्त का दौर है, ये पॉप म्यूज़िक जो है, ये तो सिवाय इंसान के जो सिफली जज्बात हैं उनको हरकत में लाने के इसका कोई काम नहीं। पुराने ज़माने की भी एक मौसीकी एक होती थी जो संजीदा होती थी, उसमें यकीनन ये है, एक बड़ा फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। पिछले ज़माने की मौसीकी सुनकर आदमी का ये सर जो है ये वजद में आता था, आदमी झूमता था सर के वजद के साथ। आज की मौसीकी में पूरा इंसान का निचला जिस्म जो है वो धड़कता है, धड़कता है और चलता है, दौड़ता है। ये इंसान के सिफली और घटिया और निचले जज्बात को हरकत में लाने वाली चीज़ है। लेकिन कुरान मजीद की मौसीकी ज़य्यनुल कुरान बिअस्वातिकुम मन लम यतगन्ना बिल कुरान फलैस मिन्ना व तगन्नौ हो, इसको बड़ी गना के साथ पढ़ा करो। और यहाँ तक कि आपने एक सहाबी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको अल्लाह ने बहुत उम्दा आवाज़ दी थी। जैसे बाद सहाबा खूबसूरत बहुत थे, हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत हसीन इंसान थे। चुनाचे हज़रत जिब्राइल जब इंसानी शक्ल में आते थे तो हज़रत दहिया की सूरत इख्तियार करके आते थे, दहिया कल्बी। इसी तरह सौत जो है, सौत ही आहंग और अच्छी आवाज़, ये अल्लाह ताला ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को अता फरमाई थी। तो एक मरतबा हुज़ूर रात को गश्त पर थे, आपने देखा हज़रत अबू मूसा अशअरी के मकान के करीब, तो मकान क्या होता था, हुजरे होते थे छोटे छोटे से। वहाँ ये थोड़ा ही था कि अब ये इतना बड़ा बाहर का कंपाउंड है, फिर उसके अंदर जो है वो कोई देवड़ी आएगी, फिर पता नहीं, छोटे छोटे हुजरे थे। तो हुज़ूर हज़रत अबू मूसा अशअरी के हुजरे के बाद खड़े होकर कुरान सुनते रहे, वो कुरान पढ़ रहे थे रात को तहज्जुद, और जिस कैफियत के साथ पढ़ रहे थे तो हुजूर काफ़ी देर तक खड़े होकर सुनते रहे। फिर अगली सुबह फजर में जब मुलाकात हुई तो हुजूर ने तहसीन फरमाई, या अबा मूसा इन्नका कद ऊतीता मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद, ऐ अबू मूसा अशअरी आपको तो अल्लाह ने आले दाऊद के साजों में से एक साज अता किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लहने दाऊदी मशहूर है, बहुत अच्छी आवाज़ हसीन आवाज़ दी थी। वो जब तहज्जुद के औकात में, और जिसको हम कहते हैं स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, ये सुबह के 3 बजे 4 बजे 2 बजे जब वो अल्लाह ताला के हम्द के तराने जो हैं अलापते थे, तो कुरान मजीद की गवाही ये है कि पहाड़ भी उनके साथ वजद में आ जाते थे और परिंदे भी उनके साथ आवाज़ मिलाते थे। ये तासीर थी लहने दाऊदी की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पढ़ने की। तो हुज़ूर ने फरमाया जैसे अल्लाह ताला ने उस हज़रत दाऊद को के गले में एक साज रख दिया था, वो साज कोई बाहर का साज नहीं है बल्कि वो गले के अंदर साज है जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन आवाज़ दी है, खूबसूरत आवाज़ दी है, एक गिना वाली जो है गिनाई आवाज़ दी है। तो जैसा अल्लाह ताला ने ये मिज़मार अता किए थे आले दाऊद को, ए अबू मूसा तुम्हें भी अल्लाह ने इन नकद ऊती था मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद, आले दाऊद के साजों में से एक साज अल्लाह ने अता।